यूपी के संत कबीर नगर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि डीआईजी के सामने एसआई बंदूक से फायर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फायर नहीं कर पा रहा है। इस पर डीआईजी एसआई से बंदूक चलाने से संबंधित कुछ बात कर रहे हैं। डीआईजी ने कहा है कि गोली कैसे डालते हैं आप बता दो, जिसके बाद एसआई गोली नली में डाल देते हैं। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी चौकी इंचार्ज टियर गन ऑपरेट नहीं कर पाए। इस पर डीआईजी ने कहा कि प्रशिक्षण ले नहीं तो जान गवा बैठेंगे। मंगलवार को बस्ती मंडल के डीआईजी आरके भरद्वाज थानों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस बीच वह खलीलाबाद थाने पहुंचे। डीआईजी ने थाने के अंदर सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस कर्मियों के बंदूक चलाने का हुनर भी देखा। इसी बीच उन्होंने एक एसआई से बंदूक चलाने को कहा, लेकिन हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि एसआई को पता ही नहीं था कि बंदूक में कहां गोली डालनी है। इस वाक्या को देख वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। फिर चौकी इंचार्ज को टियर गन ऑपरेट कर दिखाने को कहा गया, मगर काफी देर मशक्कत करने के बाद भी चौकी इंचार्ज टियर गन ऑपरेट नहीं कर पाए। पुलिस विभाग के जूनियर और सीनियर दोनों स्तर के पुलिस कर्मियों की इस हालत को देखकर डीआईजी भरद्वाज ने कहा, जवान पिस्टल ओपन नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर है कि आपात स्थिति में इनकी जान भी जा सकती है। डीआईजी भरद्वाज ने पुलिस कर्मियों को कड़ा प्रशिक्षण दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि सभी को आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, सभी जवान लगातार प्रैक्टिस करते रहें। मामला संत कबीर नगर का है। यहां डीआईजी निरीक्षण के दौरान खलीलाबाद कोतवाली पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को हथियार ऑपरेट करके दिखाने को कहा, लेकिन जब दरोगा ने नली से गोली डालकर फायर करने की कोशिश की तो वो खुद हैरान रह गए। कमी आई है, उसी चीज की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल विद प्रॉपर ट्रेनिंग।